1984 5 जून जिहड़ी ये दरमियानी रात लंघी है ना, एक भी मिनट सकिंट गोलाबारी बंद नहीं हुई। बहुत ज्यादा गड़गड़ाहट पैंदी सी, गोलियां गोले जिस घर दे विचों सदा शांति दियां तुना उठ दियां हैं, कीर्तन दियां आवाजां सुनाई दिंदियां हैं। उथे जालम हकूमत ने ताबड़ तोड़ हरेक तरह दा जड़ा सी ओ मनीशन वरत्या गया ते अपनी पूरी ताकत चोक दिती गई। जिहड़े भरोसे योग सूत्रां ने लिखिया है कहिंदे ने ओ सारे हथियार वरते गए जिहड़ा एक देश दूसरे देश नाल जंग जितण लई वरतदा है। पर अफसोस कि उन्हां साडा इतिहास नहीं सी पढ़िया। जे थोड़ा किसे कोलों सुन लैंदे पढ़ लैंदे ते उन्हां नूं पता चल जांदा हकूमत नूं कि इन्हां नूं जिन्ना जिन्ना वड्डिया जिन्ना जिन्ना मारिया जिन्ना जिन्ना इन्हां दा खून डुल्लिया उन्हां उन्हां होर प्रफुल्लत होए। ये मीर मनु दे समय कहे हुए अखाण जिक्र पईआं जिक्र ने कि मनु साडी दात्री असी मनु दे सोए, ज्यों ज्यों मनु वड्डदा असी दून सवाए होए। जदों साडे सिरां दे मुल पैंदे सी उदों दीआं कहे हुए बचन ने साध संगत जी। तो ये हवाले आपने सारे सुने। जिस वक्त 4 जून का हमला होया ते उस हमले का जो महापुरखां ने बचन कहे सी सिंघां नूं कि एक भी गोली अजाई नहीं जानी चाहिए, भावें कि वह दरबार साहब के अंदर आ के अटैक कर रहे है हमला कर रहे है, पर फिर भी पहला मौका फौज नूं देना। जदों फौज वालों फायरिंग खुले उस वेले फिर मूंह तोड़वां जवाब देना जो खालसे की रवायत है, जो गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज सानू आग्या कीती है। सतगुरु जी ने तो कदी चढ़ाई नहीं ना किसे ते कीती। भीम चंद ने चिट्ठी लिखी सी आनंदपुर साहब छड़ के चले जाओ नहीं तो चढ़ के आ रहे हैं। जदों गुरु गोबिंद सिंह साहब के दरबार विच पत्र पढ़िया गया सी बली बहादुर सतगुरु जी के डौले फड़ के जोश नाल ते महाराज जी ने कहा पत्र लिखो। पत्थर विच पत्र दे अंदर हजूर दे अपने मुख दे बोल सन कि भीम चंद जे तू अपनी माता की कुख तो जन्म लिया ते रात ना फिर हुण अटकी चढ़ के आ आनंदपुर साहब ते, फिर दसांगे असी तेरी आओ भगत किवें करदे आ, साडे खपरे तीर तक घिओ की मठियाई तरह वरता देंगे। ये गुरु घर दीआं रवायतां ने, गोलियां शक्कर पारियां की तरह वरतावांगे, सूरमियां दीआं ढालां थालां की तरह तुहाडे अंगे परोस देंगे। ये सतगुरां जी दे बोल सन इतिहास विच अंकत ने ते महापुरखां ने उन्हां सतगुरां जी दे कहे हुए बचनां ते पूरनियां पाउंदियां होइआं सत संगत जी इस महायुद्ध दे महानायक श्रीमान संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरख जिन्हां दी अगवाही थले जरनैलां ने लड़दियां होइआं इस युद्ध दे अंदर ओ पूरने पाए, जदों के फौज दे जरनैलां नूं वी कहना पिया कि जे इहो जे 100 जवान ही साडे कोल होण ते भारत दी आर्मी दा कोई देश दी आर्मी मुकाबला नहीं कर सकदी। इहो जी वीरता नाल लड़े। चमकौर साहब दी कच्ची गड़ी बारे महापुरखां दे अपने कहे हुए बोल ते स्टेज दे उत्ते महापुरखां शब्द कहे सी कि गुरु पिता जी नूं 10 लख दा घेरा पिया सी ते निम्रता नाल कहा कि मेरे विच उन्नी शक्ति नहीं, क्यों ते वो अकाल पुरख दा स्वरूप ने ना गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सर्व कला समर्थ ने, पर मैं उसे पिता दा पुत्र वां, चढ़ के आए ते लोहे दे चने जरूर चबा देंगा। ये महापुरखां ने बचन कहे सी। ये सत संगत जी जिस वक्त एक तो एक कोशिश कीती गई, ये फौजी अफसरां दे अपने भी बोल ने कि हरेक कीती हुई कोशिश नाकाम रही। जेड़ी पलटन नूं पहला कोई मेजर अगवाई दे रहा सीगा उहदे नैट ते पए हुए बोल ने कहन लगा जिहो जी
ट्रेनिंग नाल अगों गोली दा जवाब आया ना, इहो जी ट्रेनिंग कहिंदे फौज नूं भी नहीं। जिहो जी ट्रेनिंग दे हिसाब नाल अगों गोली दा जवाब आया, कहिंदे कि लम्मे पै के भी फौजी किवें अगे वधदे जगदों के धरती ही गोली उगल रही सी। गोली इस तरीके नाल आ रही सी के उत्तों नहीं सी गोली आउंदी, फर्श दे पैरलल ही गोली आ रही सी। एक दो तीन जून नूं जिहड़ी गोली चली है BSF दी तरफों जां CRF दी तरफों, यह जानना चाहुंदे सी कि अगों फायर कित्थों कित्थों आउंदा है ते केड़ी केड़ी बंदूक दा फायर आउंदा है। ते जदों 3 जून नूं बाली गोली इन्हां ने गोलाबारी कीती जिस दे विच सिख संगत दा बहुत ज्यादा नुकसान होया, उस समय अंदरों 12 बोर दे फायर दी आवाज आई, एक दो 12 बोर दे बंदूक दी फायर। ते ओ कहिंदे बड़े फौजी अफसर जिहड़े हसे, कहिंदे कि इन्हां बंदूकां नाल इन्हां ने साडा की मुकाबला कर लैणा। पर उन्हां दे अपने गए हुए बोल जदों पहली पलटन परिक्रमा विच उतारी, लाइट मशीन गन दा जदों फायर खुल्लिया ते सब फौजी अफसरां दे हत्थां दे तोते उड गए कि यह की वापर गया, क्योंकि परिक्रमा विच उतरिया होया एक भी कहिंदे साडा जवान बाहर नहीं आ सकिया, जे कोई जिउंदा सी ते ओ इउं तड़फ रिहा सी जिवें बकरी दा मेमणा तड़फदा। ते इह 4 जून ते 5 जून दी दरमियानी रात बहुत ज्यादा गोलाबारी होई, आसमान गड़कदा सी, धरती हिलदी सी, हरिमंदर साहब दे अंदर खोलां दे खोल साध संगत जी जिहड़े सी ना ओ सिक्के भाव गोलियां दे ओ ढेरां दे ढेर पए सन, कोई लिहाज नहीं कीता कि हरिमंदर साहब दे उपर गोली ना मारी जावे। ये केवल खबरां सीगियां। जिहड़े वड्डे उच्चे बुंगे है ओ बुंगियां दे उत्ते मोर्चे सन, पर उन्हां मोर्चियां वल्लों कोई जवाबी फायर नहीं सी दिता गया। ते जिस वक्त फौजी अफसरां ने यह मन बनाया कि जे होर कोई चारा नहीं तो हैलीकाप्टर राही कमांडो जेड़े है वह श्री अकाल तख्त साहब ते पहुंच करना चाहते सी, ते अकाल तख्त साहब के आले दुआले जिहड़ियां छतां ने उन्हां उत्ते जिहड़ा पैरामिलिट्री आले कमांडो है उन्हां नूं उतारिया जावे। जिस वक्त कमांडो उतर रहे सन ते उदा जवाब देण लई सिंह काले पै रहे सन, पर जनरल साहब का हुक्म नहीं सी हो रहा। जदों चिट्टा दन सी जिस वक्त कहिंदे आ कि कोई 300-400 की गिणती विचों कमांडो उतर गए, तो फिर जनरल साहब ने हुक्म दिता कि हुण तुहाडी वारी है, क्योंकि उन्हां दी मार थले सी उह सारे। तो फौजी अफसरां ने लिखिया है कि जिवें भट्ठी च दाणे भुजदे आ ना, इवें 300-400 कमांडो भुजिया। फिर कहिंदे इह अनुमान ही नहीं सीगा कि इन्हां बुंगियां दे उत्ते भी मोर्चे बने हुए आ। फिर हरेक तरीके नाल बहुत ज्यादा ये ताबड़ तोड़ हमले किए गए, गोलाबारी लगातार हुई। तो एक एक मोर्चे विच सिंह जिहड़े सी उह साध संगत जी आखिरी साहां तक लड़दे हुए शहीद हुए। जिन्ना मनीशन सी कोल मुका के ही उन्होंने शहादत नूं प्राप्त किया, गोलियां वजदियां होयां भी जकारे छड़े। ये महीना तुहानूं पता है कि किन्नी गर्मी वाला हुंदा है, इन्नी प्यास ते इहो जे गैसां दे अंदर गोले छड़े गए जिन्हां नाल दम घुटदे सन, बच्चे तक बेरहमी नाल इन्हां मारे, औरतां तक दा लिहाज ना कीता। बहुत ज्यादा उस समय हिंदुस्तान की आर्मी ने दरिंदगी का नाच उथे नचया। तो जदों कोई हीला नहीं सी चल रहा, फिर टैंकां नूं अंदर जिहड़ा सी ना वह वाड़न का आर्डर लिया गया। जिस समय फिर टैंक अंदर वाड़े गए, श्री अकाल तख्त साहब नूं निशाना बना करके उन्होंने गोले दागने शुरू किए। तो खालसे ने फिर साध संगत जी इहो जिहा सबूत दिता, जदों मुल्तान का युद्ध होया ना उहदा एक अंग्रेज राइटर ने लिखिया है कि सिखां दी तोप का पहिया टुट गया सी, ते ओ कहिंदे हुण नहीं युद्ध जितया जा सकता जिहड़े कोई अंग्रेज सन महाराजे की फौज के अंदर।
ते अकाली बाबा फूला सिंह साहब ने कहा खालसे नूं पिट करके जान दी आदत नहीं है, असी अपनियां जानां हूल के मुल्तान फतेह करांगे। कहा कि जथेदार जी तोप तां रही नहीं, पहिया टुट चुका है। कहिंदे एक एक सिंह आपदा मोढ़ा उस पहिए की थावे देवे ते तोपां दे गोले चल तोप तों गोला छड्डिया जावे। जदों तोप झटका मारदी है ना ते धौण दी कंडी टुट के आ जांदी सी, उस समय गोला छुटदे सिंह शहीद हो जांदा सी। ते उस अंग्रेज ने लिखिया कि लाइन लग गई सी उस तोप नूं मोढ़ा देण वास्ते, लाइन लग गई सी कि लड़दे सी सिंह आपस दे विच कि मैं पहलों मोढ़ा देना, मैं पहलों मोढ़ा देना है। ते उस अंग्रेज ने लिखिया मैथों भी नहीं रहा गया उस अन्ना मर जीबड़िया वाल वेख के कि मरन नूं इन्ने काले पै रहे है। कहिंदा मैं भी उस कतार विच लग गया कि मैं भी मरना इस मोढ़ा दे के इस तोप नूं। कहिंदा पर जदों मेरी वारी आउणी सी उन्हां चिर नूं तोप दा गोला वज्जण नाल पाड़ा पै गया कंध दे अंदर, ते अकाली जी घोड़े नूं कुदा के जा अंदर वड़े सन। ते मैं कहिंदा दुनिया नूं इतिहास सिखां दा दसण लई जिउंदा रह गया कि सिख इहो जी जांबाज कौम है। इह इवें शहादत दी देवी नूं वरदे आ जिवें छमां दे उत्ते आ करके भमटे जिहड़े आ ना पतंगे ਉਹ ਸੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਟੈਂਕ ਵਾੜੇ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨ ਹੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਸਨ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਬੰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ, ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਬੰਬ ਬੰਨ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਂਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 5 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 5 ਜੂਨ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੜਗੜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੌਜ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰ ਖਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ।